हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीसीए पीजीडी से होने वाले ऑनलाइन एग्जाम में हम किस तरीके से अपना एग्जाम दिला सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको इस तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है और एक लिंक दिया जाता है। ये जो पेपर होता है टोटल 50 नंबर का रहेगा। टाइमिंग जो रहता है एग्जाम का वो 60 मिनट के लिए रहेगा। और जैसे ये लिंक पर हम क्लिक करते हैं और इस तरीके से इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। यहाँ हमको यूजर आईडी और पासवर्ड को इंटर करके लॉगिन करना है। इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। देखिए, हमने डीसीए में लॉगिन कर लिए हैं और सबसे ऊपर में हमको देखने को मिल जाएगा अपना नाम। यहाँ से ज़रूर देख ले अपना नाम। और यहाँ आएंगे नीचे में तो देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है। ये डीसीए का है। पीजीडीसीए का रहेगा तो पीजीडीसीए का भी इसी प्रकार से शो होगा। तो यहाँ हमको क्लिक करना है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पर। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे फर्स्ट हमें फंडामेंटल का दिखा रहा है। तो यहाँ से फंडामेंटल दिलाएंगे एग्ज़ाम को। और यहाँ हमें एक चीज़ और देखना है, अपना नाम को चेक कर लेना है कि ये आप ही का एग्ज़ाम है या नहीं है। और यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए फंडामेंटल में, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा हमने फंडामेंटल का एग्ज़ाम दिला लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो हमको सेकंड एग्ज़ाम दिलाना है यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को। और यहाँ हमको एक चीज़ और ध्यान देना है, हम प्राइवेट में हैं तो हमको प्राइवेट वाले को ही सेलेक्ट करना है। हमारा जो एग्ज़ाम है प्राइवेट में दिला रहे हैं तो यहाँ प्राइवेट को ही हमको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है और प्राइवेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको प्राइवेट को सेलेक्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लिक करेंगे और हमारा सेकंड जो पेपर है उसे हम यहाँ से दिलाएंगे। यहाँ हमको तीन बार देता है अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ हम तीन बार अटेम्प्ट करके दिला सकते हैं अपना पेपर को। जैसे किसी कारणवश आपका अगर नेटवर्क में कुछ इशू आ जाता है या लॉग आउट हो जाता है तो हम यहाँ तीन बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे अटेम्प्ट में। जैसे अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ हमको आ जाएगा स्टार्ट अटेम्प्ट। स्टार्ट अटेम्प्ट पर जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने में इस तरीके से खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ हमको टिक लगाना है। ये पुराना एग्ज़ाम का है इसीलिए इसमें 70 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अभी जो आप एग्ज़ाम दिलाएंगे उसमें आपका जो 50 क्वेश्चन ही रहेगा और इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइमिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी का जो एग्ज़ाम होगा वो केवल 1 घंटे का ही मिलेगा आपको 60 मिनट की। तो यहाँ से आप टिक लगाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से मैं किसी भी में टिक लगा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िए और इसे टिक लगाइए। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। देखिए हम 2 से 3 जगह टिक कर दिए हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। इसमें पूरा 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये पुराना है, ये डेमो के रूप में आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से देखिए और यहाँ हमको लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है, फिनिश अटेम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए जैसे हम
फिनिश अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन को हम हल किए हैं। हम यहाँ 3 क्वेश्चन को हल किए थे जो कि इस तरीके से दिखा रहे हैं डार्क में, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं। यह देखिए आंसर शेप्ड दिखाएगा, ये देखिए जिसका आंसर को हम दिए हैं वो ऑप्शन यहाँ आ जाता है आंसर शेप्ड करके, ये देखिए। और यहाँ से आप आगे बढ़ने के बाद में भी आप यहाँ से हमको करना है रिटर्न टू अटेम, तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। और हम करना चाहते हैं तो यहाँ सबमिट ऑल एंड फिनिश पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं रिटर्न टू अटेम पर हम यहाँ क्लिक करेंगे जैसे, तो ये देखिए ये फिर से हमारे सामने में खुल के आ गया। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन आपका छूट गया है उसे आप कंप्लीट करके फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए अपना एग्ज़ाम दिलाना है, आपका 1 घंटे का टाइम रहेगा एग्ज़ाम का। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसे आपको नोट करके रख लेना है या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।